एक ऐसा शिवलिंग जो मरे हुए व्यक्ति को भी कर देता है जीवित। जी हाँ, यह सच है। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जिस खास शिवलिंग की बात कर रहे हैं वो है लाखा मंडल का शिव मंदिर, एक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर जो हमें बहुत ही सौभाग्य से मिली है। यदि इस जगह का शुरू से ध्यान रखा जाता तो उत्तराखंड के चार धाम के साथ ये भी अत्यंत प्रसिद्ध होता। यह जगह कई सदियों तक जमीन में समाई रही और कुछ सालों बाद एक स्वप्न में आने के बाद इसे खोदकर निकाला गया। आप दोस्तों जानते हैं कि आखिर कैसा है और आखिर कहाँ है यह खास मंदिर और इसके क्या क्या खास चमत्कार मौजूद हैं। दोस्तों, यह मंदिर उत्तराखंड के देहरादून के पास यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी के निकट सुंदर और सपाट जगह पर बसा हुआ है। इसके चारों ओर सात ऊंची पहाड़ियां हैं, स्थान की रक्षा करती हुई नजर आ रही हैं। मंदिर के बाहर दो द्वारपाल की मूर्तियां पहरा दे रही हैं। इसमें से एक द्वारपाल का हाथ कटा हुआ है। ऐसा क्यों है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। मुख्य द्वार पर शिव का वाहन नंदी भी पहरा दे रहा है। यह जगह अभी कुछ सालों से ही लोगों की नजरों में आई है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ के शिवलिंग स्थापित किए थे और जो भूगर्भ में खो गए थे। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग भी है जिस पर दूध और जल चढ़ाने से आपको आपका चेहरा और उस शिवलिंग में साफ साफ दिखाई देगा। संभवतः यह एकमात्र दर्पण की तरह चेहरा दिखाने वाला शिवलिंग भी है। दोस्तों, या यूं कह लीजिए कि यह अपने आप में एक आईना है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार एक संत ने अपने सपने में देखा कि लाखा मंडल का शिवलिंग स्वयं को धरती में समाया हुआ बता रहा है और उसे निकालने के लिए बोल रहा है। साधु ने सपने में बताई हुई जगह जाकर लोगों के साथ उस जगह की खुदाई की। कुछ खुदाई के बाद उन्हें शिवलिंग नजर आने लगा। हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवलिंग को बाहर निकाला गया। फिर विद्वान पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ मंत्रोच्चार के शिवलिंग की स्थापना और आराधना शुरू की गई। यहाँ आसपास के लगभग अलग तरह की भाषा में पत्थरों पर अलग अलग कुछ लिखा गया है और इसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर किसी शव को इन द्वारपालों के सामने रखकर मंदिर के पुजारी उस पर पवित्र जल छिड़कते हैं तो वह मृत व्यक्ति कुछ समय के लिए पुनः जीवित होता है। जीवित होने के बाद वह शिव का नाम लेता है और उसे गंगा जल प्रदान किया जाता है। इस गंगा जल को पीकर उसकी आत्मा फिर उसके शरीर से निकल जाती है। ऐसा दावा बहुत सारी वीडियोस, वेबसाइट और बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे का राज अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में एक रोचक चमत्कार ये भी है कि जो भी स्त्री संतान प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात को इस मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एक टक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे एक साल के भीतर ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र और रहस्यमय मंदिर है। अगर आपको कभी भी अवसर मिले तो आप इस मंदिर में अवश्य जाइएगा। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।